अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। तो जी मैं आज आपको बनाना सिखा रही हूँ कि आप अपने घर में किस तरह कम पैसों में वैक्स बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। तो आप इसमें जो नेक्स्ट चीज़ ऐड करेंगे वो चीनी, और उसके बाद आपको 3 इस साइज़ के छोटे लेमन लेने हैं, और उसके बाद आप कोई सा भी डिसाइड कर लें, बाउल वगैरह इस तरह का स्टील का। मेरे पास यही था, इसमें मैं हमेशा बनाती हूँ तो इसलिए मैंने यही। उसके बाद आपने फ्लेम ऑन कर लेनी है, लाइट फ्लेम ऑन कर लीजिए, और अपने बाउल या जो भी चीज़ आपने डिसाइड की उसके अंदर 1 कप पानी ऐड करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक भी किया करें। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे चीनी। चीनी आपने पानी से थोड़ी सी कम लेनी है, और आपने वक्त से इसमें चम्मच हिलाते रहना है ताकि वैक्स का आपको पता चलता रहे ये किस स्टेप तक पहुंची है। और ताकि आपकी वैक्स नीचे बर्तन में लग ना जाए इसके लिए आपको चम्मच इसमें हिलाते रहना है। जब थोड़ा सा पानी थोड़ा सा पक जाए तो उसमें आपने जो कटे हुए 3 लेमन हैं हमारे पास वो ऐड कर लेने हैं इसमें। अगर आपके पास छोटे लेमन हैं तो आप उसमें 3 ऐड करें, अगर आपके पास थोड़े बड़े लेमन हैं तो आप उसमें 2 लेमन ऐड कर लीजिए। अगर बहुत बड़ा साइज़ है लेमन का तो आप उसमें सिर्फ 1 ही लेमन ऐड करेंगे। क्वांटिटी के हिसाब से आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा। और ये देखें जिस तरह जब इस फॉर्म में आ जाए तो जिससे वैक्स बनना स्टार्ट हो गई है। इस लेवल पर आके आपको फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है और इसमें चम्मच हिलाते रहना है। इस लेवल पर आके आपने चम्मच को नहीं छोड़ना। और ये देखें जिस तरह ये ब्राउन कलर आ गया, जब ये आपका ब्राउन कलर हो जाए तो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और आपने बाद में ठंडे होने के लिए रख देना है। तो ये हमारी वैक्स बनकर रेडी हो गई है, बहुत ही अच्छी सी वैक्स बन गई थी। आप भी सेम क्वांटिटी या फिर अगर आपने ज़्यादा बनानी हो तो आप इसमें ज़्यादा क्वांटिटी हर चीज़ की कर सकते हैं। तो ये हमारी थी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।